विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निरास तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। ये नारों का विषय नहीं है। नारे देना बहुत आसान है यहां पे। नारे तब भी लगते थे लेकिन विभाजन हुआ। सोचने का विषय है, मेरा जन्म विभाजन के पश्चात हुआ। भारत विभाजन होके पाकिस्तान बना, ये समझने की समझ मुझे और 6-7 साल बाद आई। फिर भी एक बार मेरे ऊपर प्रसंग आया, संघ शिक्षा वर्ग में तृतीय वर्ष के, भारत विभाजन की गाथा को कहना। अब स्वयंसेवकों को जो कहना है ठीक से अध्ययन करके, जो सत्य है वो सारा बताना है। वो कोई भाषण नहीं होता है, उसको बौद्धिक कहते हैं, तो यथा तथ्य सारा बताना पड़ता है। तो मैंने खूब अध्ययन करके उस विषय को रखा, लगभग 1 घंटा भर, वो भी समय कम है लेकिन उतना ही था तो उसमें मैंने रखा। मैं विभाजन के समय नहीं था, मैं बाद में जन्मा हूं। विभाजन में क्या हुआ वगैरह, विभाजन हुआ ये भी मुझे विभाजन के 1-10 साल बाद समझ में आया। परंतु उस 1 घंटे के मेरे वर्णन के कारण आगे मैं 2 दिन सो नहीं सका। शेषाद्रि जी वर्ग में आए, उन्होंने देखा तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ है क्या। मैंने बोला नहीं, वो नींद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, तो मैंने बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि उसमें जो भावनोद्रेक करने वाला अंश है उसको छोड़कर उसका वर्णन करो। अब ये बड़ा कठिन काम है क्योंकि इतने लोगों का विस्थापन हो गया, इतने लोगों का संहार हो गया, और जिन्होंने वो आंखों से देखा है, आज वो 90 साल के भी है लेकिन है, और उनकी आंखों देखी बातें कहीं ना कहीं गपशप निकल आती है तो पता चलती है। तो उन्होंने भोगी हुई जो यातना है वो भी हमको स्पर्श करती है। और ये केवल यातना का मामला नहीं है, हम जिसको अपनी प्रिय मातृभूमि मानते हैं, जिसकी स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए, इतने पीढ़ियों ने अपना संघर्ष किया, उस मातृभूमि का विभाजन हुआ। भारत को, भारत का व्यक्ति विशेषकर हिंदू समाज जमीन का टुकड़ा नहीं मानता। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वामि, ऐसा कहने वाले लोग हम हैं। और उस जीती जागती भारत माता का विभाजन हम समझ नहीं सकते। और इसलिए इस इतिहास का, उसकी सूक्ष्मता में, उसकी समग्रता में अध्ययन होना चाहिए और उसका नित्य स्मरण रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है संपूर्ण दुनिया को कुछ देने के लिए, और संपूर्ण दुनिया को कुछ देने लायक हम तब हो जाएंगे जब अपने इतिहास के इस दुराध्याय को उलटकर हम अपने परम वैभव का मार्ग चलने लगेंगे। यह हमारा कर्तव्य बनता है हम सबका।